नमस्कार, आज की तारीख है 20 सितंबर 2020। मैं हूँ आदित्य, लेके आया हूँ आज का एडिटोरियल नोट सेशन। इस सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होते हैं डेली के, या जो इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की इम्पोर्टेंस के जो मुद्दे होते हैं उन सब पे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्पर COVID-19 टेस्ट के बारे में। देखिए, एक टेस्ट होता है जिसे हम क्रिस्पर नाम से जानते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स टेस्ट। ठीक है, तो भारत का पहला क्रिस्पर COVID-19 टेस्ट डेवलप किया गया है टाटा ग्रुप और CSIR के द्वारा। ये दोनों मिलके इन्होंने क्रिस्पर टेस्ट को डेवलप किया है COVID-19 के लिए। अब क्या ये जो टाटा क्रिस्पर टेस्ट ने इसे डेवलप किया गया है, इसे रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी मिल गए हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से, DCGI से, और ये कॉमर्शियल लॉन्च के लिए तैयार है। ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से 96% सेंसिटिविटी के साथ है ये, और 98% स्पेसिफिसिटी के साथ है। यानी नोवल कोरोना वायरस के केसेस को ये लगभग 98% तक सही तरीके से डिटेक्ट कर सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्रिस्पर टेस्ट में होता क्या है। देखिए, क्रिस्पर एक ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है कि जीनोम एडिटिंग की मदद से, जीनोम एडिटिंग यानी जीनोम में थोड़ा छेड़खानी करके क्या किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, हेल्थ प्रॉब्लम को। ठीक है, तो होता क्या है, इस टेस्ट में एक क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जो कि COVID-19 के वायरस को डिटेक्ट करेगा जीनोम एडिटिंग के थ्रू। जैसे देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, इसे बनाया गया था, इसका जो बेसिक आइडिया आया वो बैक्टीरिया से आया। बैक्टीरिया का एक तगड़ा इम्यून सिस्टम होता है। उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जब कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल उनकी बॉडी में एंटर करता है, फॉरेन कोई माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो बैक्टीरिया से भी छोटा है जिस पे बैक्टीरिया फीड करते हैं, तो जब वो एंटर करता है और अगर वो नुकसानदायक है तो बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम इस तरह से डिज़ाइंड होता है कि उसके जेनेटिक मटेरियल को कट कर देता है वो। ठीक है, तो उसी का यूज़ करते हुए क्रिस्पर टेस्ट है। क्रिस्पर टेस्ट में क्या होगा, जब COVID-19 का वायरस आएगा तो उसके एक छोटे से सीक्वेंस को, जेनेटिक सीक्वेंस को कट कर देगा। ठीक है, क्रिस्पर एंजाइम, और कट करने के बाद उससे एक फ्लोरोसेंट सिग्नल मिलेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ COVID-19 इसमें, इस प्राणी में था। ठीक है, अब ये जो एफर्ट है ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कैसे एक साइंटिफिक कम्युनिटी और जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में दोनों आपस में कोलैबोरेशन करके डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। जैसे इसमें टाटा ग्रुप है ना, वो एक इंडस्ट्री है, और CSIR एक साइंटिफिक कम्युनिटी है, तो दोनों ने मिल के जो अच्छा काम किया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा संकेत देता है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, सेफ़ है, रिलायबल है, अफोर्डेबल है और एक्सेसिबल है, पहुंच के अंदर भी है, और इसकी जो कीमत बताई जाएगी वो कहा जा रहा है कि $1 से भी कम होगा ये COVID-19 के लिए। हालांकि इंडिया में इसका क्या प्राइस वगैरह रहता है ये सारी चीज़ें भी देखने वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। इंडस वाटर ट्रीटी अभी इसलिए खबरों में रही क्योंकि 19 सितंबर 2020 को इसकी 60 साल हो गए हैं इस ट्रीटी को। ठीक है, तो इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा बनती है। देखिए, इंडस वाटर जो सिस्टम है उसमें जो रिवर हैं वो हैं इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, बीज और सतलुज। ठीक है, अब इसका जो बेसिन है उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मेन हिस्सा है, पर इसके साथ साथ चाइना और अफगानिस्तान का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। जब भारत का 1947 में बंटवारा हुआ तो इंडस रिवर जो है उसका भी वाटर डिवाइड किया गया। हालांकि काफ़ी ज़्यादा उस पर विवाद रहा, एंड लास्ट में वर्ल्ड बैंक के और क्या बोलते हैं यूनाइटेड नेशन की संस्थाओं ने जब बीच में मध्यस्थता की, तो मध्यस्थता करने के बाद कुछ ऐसा सिस्टम निकला कि जो तीन वेस्टर्न रिवर्स हैं, पश्चिमी रिवर्स हैं, जो इंदस, झेलम और चेनाब, वो पाकिस्तान को दे दी गई उनका वाटर, और थ्री जो ईस्टर्न रिवर्स हैं सतलुज, रवि, रावी एंड बीज, इनका जो वाटर है वो इंडिया को दे दिया गया। ठीक है, तो ऐसे करके इंडस वाटर ट्रीटी का ये शेयरिंग फार्मूला निकला, और इसके बाद से अभी इंडिया और पाकिस्तान में इस जो फॉर्मूला था इस पे सहमति बनी हुई है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से वाटर दोनों कंट्री शेयर करती हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है कि कैसे दो कंट्रीज़ जिनके बीच आपसी संबंध अच्छे नहीं रहे कभी, फिर भी वो एटलीस्ट एक एरिया में काफ़ी पीसफुल को एग्जिस्टेंस बना के रही हैं, है ना, एक ऐसे एरिया में, वाटर मैनेजमेंट के एरिया में। देखिए, वाटर जो होता है वो
कोई भी कंट्री हो, अच्छी हो बुरी हो सही हो खराब हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा एग्जांपल है जो दो कंट्रीज़ के बीच में एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस का एग्जांपल प्रोवाइड करता है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक नया रिसर्च निकल के आया है स्लीप के बारे में, नींद के बारे में। तो नींद तो आप सभी काफ़ी ज़्यादा इससे क्या बोलते हैं इंटरैक्टिव आपका कनेक्शन होगा स्लीप से, ठीक है, बट हम चाहते हैं कि आपका ज़्यादा इससे कनेक्शन ना हो। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है कि अभी साइंटिस्ट ने बताया है कि स्लीप जो होती है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो लगभग 2.5 साल तक, 2.5 ईयर्स तक उसका जो ब्रेन होता है बहुत तेज़ी से डेवलप करता है ना। ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बच्चे को आते हैं और क्या बोलते हैं उस जो ब्रेन में सिनेप्सिस होते हैं, सिनेप्सिस कहने का मतलब दो न्यूरॉन्स को जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, दो न्यूरॉन्स को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स को सिनेप्सिस बोलते हैं। तो वो सिनेप्सिस बनाए जाते हैं, सिनेप्सिस मजबूत किए जाते हैं नींद के दौरान जब बच्चा 2.5 साल तक का होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन जो होता है सिनेप्सिस के बीच में उसे मेंटेन किया जाता है। हालांकि 2.5 ईयर्स के बाद क्या होता है, स्लीप का जो पर्पज़ होता है वो ये हो जाता है कि ब्रेन का जो डेब्रिस है, जो ब्रेन का कचड़ा है उसे साफ़ कर दिया जाए। जब हम कहते हैं ब्रेन का कचरा, तो ब्रेन का कचरा क्या होता है? देखो ब्रेन में ऐसा तो होता नहीं कि प्लास्टिक है, वेस्ट है ना, पॉलीथीन है, ऐसा कुछ। देखिए होता क्या है कि जब हम अपने डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें जब हम करते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, टहल रहे हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स हैं या कुछ जेनेटिक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनएक्टिव हो जाते हैं और वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेन डेब्रिस। तो 2.5 साल की उम्र के बाद स्लीप का, नींद का यही काम होता है कि इस ब्रेन डेब्रिस को समाप्त किया जाए, इस ब्रेन डेब्रिस को ख़त्म किया जाए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ब्रेन डेब्रिस को ख़त्म नहीं करते हैं तो क्या होगा? देखिए ब्रेन डेब्रिस को अगर नहीं ख़त्म करते हैं तो बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम आ सकती हैं और बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए इस रिसर्च में ये कंक्लूड किया गया कि नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के बारे में हम बात करते हैं। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, ठीक है, तो इंडेक्सेस की तो आप बात जानते ही हैं यूपीएससी में। अब ये ट्रेंड बन चुका है कि इंडेक्स जो होते हैं या रैंकिंग्स जो होती हैं वो आजकल का एक दो क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं, और अगर आप इन्हें कर ले जाते हो तो ये आपको एग्जाम में एज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर के ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया। इस इंडेक्स में 109 सिटीज़ को सर्वे किया गया है और इंडेक्स में सिटीज़ को जो रैंकिंग है वो इस बात पे रखी गई है कि उनका इकोनॉमिक डाटा क्या है, मतलब आर्थिक रूप से वो कितनी सशक्त हैं, उनका टेक्नोलॉजिकल डाटा क्या है, टेक्नोलॉजी में उनका क्या डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ों को देखा गया है। इसके साथ ही एक चीज़ और इस इंडेक्स में शामिल की गई है, वो ये है कि सिटी के लोग सिटी के स्मार्टनेस के बारे में क्या सोच हैं। तो ये इंडेक्स जो है अभी से सिंगापुर ने टॉप किया है, सिंगापुर की रैंकिंग 1 है। इसके बाद हेलसिंकी और ज्यूरिच का नंबर आता है टॉप 3 स्मार्ट सिटीज़ में। 2020 की जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स है उसमें हैदराबाद टॉप इंडियन सिटी रही, ठीक है, और हैदराबाद का ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 85th पोजीशन रहा है। ठीक है, अब इसमें चिंता का विषय ये है कि ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो इंडियन सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग्स में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा जा रहा है, कमी देखी जा रही है। तो ये एक वास्तव में चिंता की बात है इंडिया के लिए, और इसका यही तरीका हो सकता है कि अभी तो इकोनॉमिक जो कंडीशन है हमारे इंडिया की वो काफ़ी ख़राब है, मे बी उसकी वजह से ये हुआ हो। और ये 2019 से, मतलब कोई कोविड-19 की वजह से ही नहीं हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, 2019 से ये देखा जा रहा था, थोड़ा थोड़ा ट्रेंड आना शुरू हो गया था हमारी इकोनॉमी में गिरावट का, तो मे बी उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा रैंकिंग्स गिर गई हो। लेकिन फिर भी हमें अपने क्योंकि हमारा मिशन है कंट्रीज़ में, अब हमारे देश में स्मार्ट सिटीज़ को इस्टेब्लिश करने का, तो हमें इस रैंकिंग को सीरियसली लेना होगा और हमें इस विषय में कुछ डेवलपमेंट्स करने होंगे। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। ये मेरा मेल है oaditya900@gmail.com, आप इस पर हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं कल।